ये तो बहुत कमजोरी की और बुजदिल दिलों की बात है। ऐसी बुजदिल हो गए क्या आप लोग? हिम्मत से आगे बढ़ना, ऐसे कुछ भी तकलीफ आ जाए, मरना भी आ जाए, लोग बोले कि तेरी फांसी होने वाली है नेक्स्ट मोमेंट, फिर भी हम ज्ञानवही होके ही जाएंगे। गुजरात में एक कहावत से बोलो या भजन बोलो कि हरि नो मार्ग छे सुरानो नहीं कायर नु काम जो। इट मीन्स जो हरि का जो मार्ग है वो सूरवीरों के लिए है, बुजदिलों के लिए नहीं है। बीबी के साथ झगड़ा हो गया, चलो आज ध्यान नहीं करेंगे। क्यों खफा हो गए? बीबी के साथ खफा हो गए, लेकिन इसके ईश्वर के साथ क्या है आपका लफड़ा? तो हमारा अटेंशन जो शिफ्ट हो जाता है प्रॉब्लम की और, तो वो नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जब प्रॉब्लम अराइज होते हैं तो सॉल्यूशन उसकी समस्या का सुधार करने वाला सिर्फ ध्यान ही है। और उस समय आप ध्यान बंद कर दोगे तो सुधार कैसे आएगा? प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? सपोज बाबूजी, आपके आपके पास प्रॉब्लम है और बाबूजी आपको उसके बारे में कुछ सॉल्यूशन भी देना चाहते होंगे, लेकिन आपने ध्यान ही स्किप कर दिया, वो आपको मैसेज कैसे देंगे? आपके अंदर कैसी कंडीशन पैदा करेंगे जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सको? इनफैक्ट जब ज्यादा प्रॉब्लम हुए तो खास ध्यान करना चाहिए। आपने तो उल्टी बात कर दी, बीमार हुए तब डॉक्टर के पास जाना है ना। बीमारी आ गई, प्रॉब्लम हो गया, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, मास्टर को याद करेंगे और ज्यादा ध्यान करेंगे तो कुछ सुधार आ सकता है। लेकिन उस समय जो हमको बचाने वाला था उनको ही भूल गए। द्रौपदी की हालत सुनो, बड़ी प्रॉब्लम थी, उस समय याद नहीं किया होता कृष्ण भगवान को तो क्या होता उनका? खास करके ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि हम सेल्फिश हो गए, कि प्रॉब्लम है इसलिए चलो मालिक को भी नहीं याद करते हैं क्योंकि उनको तकलीफ नहीं देना है। ये तो बहुत बेकार की बद्दल बात हो गई। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब भी ज्यादा प्रॉब्लम हो तो ज्यादा ध्यान कर लो, समय कम हो तो भी ज्यादा कर लो। कई लोग बोलते हैं समय बहुत कम है इसलिए मैंने आज ध्यान छोड़ दिया, लेकिन अब जब ध्यान करोगे ना तो समय का भी उपाय निकल जाएगा अपने आप, क्योंकि जो नहीं करना है वो ध्यान बताएगा कि इसको निकाल दो, तो इतना सा टाइम आपका और बढ़ जाएगा। इसके साथ मीटिंग नहीं करना है तो और 10-15 मिनट मिल जाएगी, इसके साथ आज गपशप नहीं करना है तो और टाइम मिल जाएगा। तो जब टाइम नहीं हो, समस्याएं हो, लाइफ में प्रॉब्लम पड़ जाते हैं तो उनकी मदद के लिए तो एटलीस्ट उनके उनको जो जो कहना चाहते हैं उनको सुनने के लिए भी तो आंख बंद करनी पड़ेगी। सुनोगे कैसे? यहां नहीं, यहाँ मैंने अभी थोड़े समय पहले कुछ पढ़ा था, 1-2 दिन पहले, कि कान से जब सुनते हैं ना तो इधर से उधर चला जाता है, लेकिन हृदय से सुनते हैं तो हृदय का तो दूसरा होल है ही नहीं, कि जब जाता है तो अंदर ही चला जाता है। तो हृदय से सुनो, और हृदय से कब सुने? ध्यान करेंगे तभी से।